आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 9 सितंबर से 17 सितंबर तक शिव की नगरी सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रामकथा के आयोजन के संबंध में सिवनी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और इसमें विस्तार से पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से संपूर्ण रामकथा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर दिनेश राय के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल, नरेंद्र गुड्डू ठाकुर सहित मंडल उत्तर मंडल के अध्यक्ष संजय सोनी भी उपस्थित रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 9 सितंबर से 17 से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक भी निरूपित किया उनके द्वारा, पर चुनाव के पास इस तरीके की कथाएं होने का आशय वैसे सभी समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया। वो मेरी व्यवस्था है, आपके कोई भी चीज है उसमें मैं सहयोग करूंगा, लेकिन मेरा आग्रह इस कैंपस के अंदर में अन्य चीज अन्य को ना कराते हुए गुरुजी को जिनको जो देना वो दे, लेकिन अन्य और किसी जगह इसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें ऐसा ना लगे कि किसी भी प्रकार का सामाजिक के अलावा राजनीतिक हो गया है या फिर किसी प्रकार का इसमें आर्थिक कोई भी इसमें ना इशू रहे। इसलिए मैंने थोड़ा सा खुल के बोला हूँ कि अगर आपकी इच्छा होती है नंदन भैया कि आज हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ रबड़ी और मेवा और ये ही बटना चाहिए और हर व्यक्ति को ये बटना चाहिए, आपका आदेश का मैं पालन करूंगा, अक्षर से करूंगा। मैं ना लगूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कार्यक्रम है, मैं अपना भाग्य समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं इस पद में हूँ और मुझे ये मौका यहाँ की जनता ने दिया कि मैं ये संपन्न करा पा, मुझे मेरी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है, मेरा अधिकार नहीं है, कर्तव्य की दृष्टि से आप सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम के लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आगे यहाँ पर आ सकते, सभी के लिए दरवाजा। ये समाचार संकलन के लिए, प्रचार के लिए मीडिया हाउस की व्यवस्था भी है? नहीं, कुछ पूछ रहे, यहाँ आप बता दें कैसा क्या करना है मीडिया के लिए, यहाँ पर कैसा मंच बनना है, वो हो जाए, लाइव चलेगा, लाइव हमारा रेगुलर चलाएंगे, उससे भी आप रेगुलर जोड़ के लिंक से आप उठा भी सकते हैं और मीडिया हाउस बोले तो अलग से बना देंगे, एक हाउस तो नीचे बनाए, अभी चाय पिलाता हूँ। भैया तो वीआईपी वीआईपी अलग अलग बैठक व्यवस्था रहेगी कि सभी की समुचित एक साथ व्यवस्था रहेगी? देखो, अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि यहाँ पर जो पहले आएगा वो वीआईपी है, जो लेट आएगा वो हमने जैसे हम तो हमें तक गेटे में फैलेंगे इधर उधर, वीआईपी बोल दो पहले, यहाँ कोई कार्ड नहीं है, कोई कार्ड हम सबकी है, सबका योगदान इसमें सही आने है, जो जो सहयोग व्यवस्थाओं में कर सकते हैं उसमें मैं आप सबसे चाहता हूँ कि ये पहली बार एक बड़े संत आ रहे हैं तो निर्विघ्न संपन्न हो और हमारी धार्मिक नगरी है और हमारी जो तहजीब भी है यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान भी होता है। जिस प्रकार मैं जब से सिवनी का विधायक बना हूँ तो मैंने हर धर्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हूँ, वही उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहर में भी सभी लोग, सभी समाज, सभी धर्म प्रेमी लोग उसमें सहयोग करें, निर्विघ्न हो, आप भी इस रामकथा का श्रवण करें, साथ ही तमाम लोग भी श्रवण कर पाए, जो सहयोग आप लोग कर सकें और प्रसार प्रचार कितना हो जिसमें लोगों को विधिवत हो सके, इसमें भीड़ भी हम क्रमांक करेंगे, क्योंकि भीड़ अधिक होने की वजह से भी हो सकता है कि लोगों को आने जाने में असुविधा होता हो। इस कार्यक्रम में अगर अधिक भीड़ होगी तो मैं नगर का विधायक होने के नाते मेरी जवाब यही है कि नगर की जनता को असुविधा ना हो, उसको भी देखो, किसी दुकान को अवरोध ना हो, किसी का घरों में अवरोध ना हो, उसके लिए जितने दूर हम पार्किंग करा सकें और लोगों को लाने ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था हो सके, जिसमें शहर का भी वातावरण बना रहे, जाम ना लगे, शहर के भी रोजमर्रा की जिंदगी, छोटा सा हमारा फुटपाथ पे बैठने वाला भाई भी और ये दुकान वाला भी किसी कारण से अवरुद्ध ना हो उसका व्यवसाय,
बल्कि इस कार्यक्रम से सबका मंगल तो हो, साथ व्यवसायिक दृष्टि से भी उनकी व्यवस्था हो, उसे हेतु यह है। यह मेरा अभी जो टैंक है ये लगभग 140x400 फुट में भी ये बना है, जो पूरा वाटर प्रूफिंग रहेगा, जो बाजू में जो होना है 20 फुट ये भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर लगता है कि गुरु जी के चाहने वाले और सुनने वालों की संख्या अगर बढ़ेगी हम और अधिक व्यवस्थाएं हम इसमें बढ़ाएंगे। 9 तारीख को विशाल कलश यात्रा 11,000 करीब महिलाओं का ऐसा मानना है मेरे, 11,000 माँ बहने हमारी कलश लेके निकलेगी, ये मठ मंदिर से प्रारंभ होगा, गणेश चौक से नगर पालिका से हमारा जल सागर से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए गेस्ट हाउस, बाल साहब के पंप के बाजू से बाहुबली चौक और वहाँ से सीधा अंदर नहीं ले जाने की वजह की ऐसा लगता है कि भीड़ काफ़ी अधिक होगी। और इतने लंबे दूर से हमारी माता बहने धूप अभी मौसम हो गया, लेकिन कलश लेके और चलना और लंबे में अगर उनको मार्ग अंदर किसी कारण से अवरोध होना और जिससे मार्केट भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, दिल्ली आग से और लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर हर हालत में हम चाहेंगे इतनी विशाल हमारी यात्रा जल्दी संपन्न हो जाए, इसमें शहर का आवागमन भी ना हो बाधित हो, क्योंकि सभी को भी अपने रोज बताया व्यवसायिक और अपने स्कूल कॉलेज हैं वो भी अवरोध उस हिसाब से। उसके बाद महाराज श्री का 3:30 से 7 बजे का ऐसा टाइम रहता है और वो अपनी कथा का वाचन करना है, 9 दिनों की कथा वाचन होगी और अंतिम दिन समापन में सभी का भोजन भंडार प्रसाद रहेगा। वैसे तो प्रतिदिन प्रसाद वितरण होना है और जो श्रद्धालु रुक गए और जो चाहेंगे कि भोजन की व्यवस्था तो उनकी भी व्यवस्था उस व्यवस्था को भी संपन्न कराते रहेंगे। 3 जगह रखेंगे, एक प्राय यहाँ पर, एक हमारा हर सिंह में भी रहेगा और एक मेरे घर के निवास में मैंने अपना बनाया हूँ, 500-600 लोगों को एक साथ भोजन कराने का, तो वो क्रम से लोग अगर कोई करना चाहे, क्योंकि पंडाल में ऐसा गुरु जी का निर्देश था कि शुरू से राम कथा समाप्ति तक आप यहाँ पर किसी प्रकार का भोजन प्रसाद ना कराएं, राम कथा के समापन के बाद ही प्रसाद का वितरण करें और जो भी प्रसाद या वितरण रोज की कथा का होना है तो वो थोड़े दूर होगा गेटों में, ऐसा है। इसमें एक तो मार्गदर्शन और सहयोग मैं सबसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती थी कि धार्मिक हर कार्यक्रमों में बढ़ करके हिस्सा लूँ। बहुत दिनों से मांग थी कि आपने बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का भी कार्यक्रम यहाँ कराए हैं, बहुत लोगों का खेल संबंधित भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, धार्मिक भी हमने काफी कार्यक्रमों में भाग लिया है, लेकिन ये बड़े गुरु संत होने की वजह से एक बड़ा बृहत कार्यक्रम देखने में आ रहा है। तुझे एक मिसाल दूंगा, क्योंकि जो जिस तरीके से जिज्ञासा हमारे शहर पूरी विधानसभा और जिले के लोगों की देख रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जी के प्रति जो खास श्रद्धा और है, क्योंकि हम लोग भी बचपन से सूरदास जी एक है जो रामायण पूरी कंठस्थ है, चौपाई है, तो वो सुनते आए। मैं बाद में अभी जब देखा कि कई चौपाइयों को भी उन्होंने पुरार करवा दिया, तो ऐसे अब प्राय आप सब कुछ के बारे में जानकारी, लेकिन उनसे मिलने का उनका मंच में कैसा संचालन होगा वो तमाम चीज गुरु जी और उनके ही शिष्य लोग संधारण करेंगे, उसमें मेरा कहीं इंटरफेयर नहीं है। गुरु जी को जिसके घर जाना चाहे वो गुरु जी जाएंगे, जिससे मिलना चाहे जब समय लेना चाहे गुरु जी देंगे, उसमें मेरा सिर्फ गुरु जी को लाने तक का मेरा यहाँ पर योगदान है, बाकी आप सबके सुप्रत है। हर समाज, हर धर्म, हर दल, हर वर्ग गुरु जी का जैसा चाहे उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनकी बाजू का पूजन कर सकते हैं और अपने निवास ले जाना चाहे या वहाँ पर आके पूजा चाहे, लेकिन एक विनम्र आग्रह यह है इस कैंपस के अंदर जो भी वितरण होना है, जो कुछ होना है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ और मुझे ही करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि आज प्रसाद में कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए, कभी किसी को लगता है भंडारा में और नई चीज होना चाहिए, मुझे निर्देश करेंगे मेरे तमाम नगर के लोग, जिले के। तो सुना आपने क्या कहना था सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय का, उनके द्वारा पत्रकार वार्ता में लोगों से चर्चा की गई और जानकारी दी गई किस तरह से आयोजन इस राम कथा का किया जाएगा। वैसे लोगों का कहना यह है कि जब दिनेश राय लखनादौन नगर पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे तो वे हर साल जनता की अदालत का आयोजन करते थे, उसके बाद जब निर्दलीय वे विधायक के रूप में चुने गए तब भी उनके द्वारा सिवनी में
जनता की अदालत लगाए जाने का वायदा जरूर किया गया था, पर उनके द्वारा उस वायदे को निभाया नहीं गया। अंतिम समय में उनके द्वारा जनता की अदालत लगाई गई। दूसरी बार जब वे भारतीय जनता पार्टी से चयनित हुए, तब उसके बाद उनके द्वारा जनता की अदालत का न तो वायदा किया गया ना ही लगाई गई। रामकथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर नदारत रहे, जिसकी चर्चा होती रही। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं का आगमन होने जा रहा है। वे इस रामकथा में जाकर शिरकत करते हैं या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, पर लोगों की नज़रें इस पर टिकी हुई लगातार दिख रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।